आज हम थाना जामा मस्जिद पर मौजूद है। यहाँ पर आज जुमे का दिन है, रमज़ान का पहला जुमा है और आज सातवां रोज़ा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ जुमे के रोज़ भी पूरी तरह से लॉकडाउन का पालन हो रहा है, मस्जिद बंद है और अंदर जो दो एक लोग हैं उन्होंने ही नमाज अदा की होगी। और यहाँ पर उन्हीं लोगों को चेक करके जाने दिया जाता है जिन लोगों को समझते हैं, नहीं तो ऐसा लगता है कि फालतू जा रहे हैं, तो उनकी जो है गाड़ी जमा की जाती है। एक गाड़ी ये जमा की है सच्चों सामने, एक ये है इधर से करे हैं। आप देख सकते हैं किसी को यहाँ फालतू जाने नहीं दे रहे और ज़रूरत के तहत ही लोगों को यहाँ से जाने दिया जाता है, इसके अलावा जो है नहीं जाने देते। और यहाँ पर आज आप देख सकते हैं कि ऊपर पुलिस स्टेशन है, इधर ये जो है सब चेकिंग हो रही है और चेकिंग होकर सिर्फ उन्हीं को जाने। जो मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा, ये इस साइड पे उर्दू बाज़ार है, उर्दू बाज़ार में लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। और इधर यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मटिया महल है, मटिया महल में जो है ये देख सकते हैं आप, इसमें जो है भाई यहाँ खड़े हुए हैं। यहाँ पर ये एज ए वॉलंटियर काम कर रहे हैं। आज जुमे का दिन है, आज भी यहाँ नमाज जुमा नहीं हो सकी। सर आपका नाम? मेरा नाम रिजवान अहमद। रिजवान भाई आप यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं और रमज़ान शरीफ का पहला जुमा है और यहाँ पर लॉकडाउन का पूरा से पालन हो रहा है और यहाँ भी जुमे की नमाज़ अदा नहीं हुई, अंदर ही एक दो जो लोग होंगे उन्होंने की होगी, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए जी, अल्लाह की तरफ से है, चार पांच लोग मस्जिद में नमाज़ पढ़ना है, वरना आपको पता है हज़ारियों की तादाद में जामा मस्जिद में लोग बाग आते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, निकलते हैं। अब ये तो जैसे भी है अल्लाह की तरफ से मारे, अब ये हम ही लोगों को पालन करना है, इसका लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन करना है। देख लो आपके सामने कुछ भी नज़र नहीं आ रही है, बिल्कुल खाली पड़ा है, कोई ज़रूरत के तहत ही आते हैं। आपका कुछ कहना भाई? आपका नाम? नाम आपका? महफूज। महफूज भाई आप देखिए यहाँ पर कितनी अच्छी तरह से यहाँ पर लॉकडाउन का पालन हो रहा है, जुमे का दिन है और नमाज के वक्त भी लोगों को चेक करके जा रहे, नहीं तो यहाँ पर जुमे के दिन वो भी रमज़ान में पैर रखने की जगह नहीं होती थी, लेकिन आज आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो लॉकडाउन का पूरा पालन किया है, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल है, मास्क का इस्तेमाल है, इस बारे में आप क्या कहना है? इलाके का जो SHO और पुलिस डिपार्टमेंट जो लगा हुआ है, सही है सर, सख्ती अच्छी होना चाहिए, बात अपनी सही है। देखिए इन लोगों का कहना है कि सख्तियाँ हो रही, अच्छा आप पीछे देख सकते हैं कि ये यहाँ पर मटिया महल का इलाका पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ है और लॉकडाउन की वजह से यहाँ पर जो लोग नहीं आ रहे, सब अपने अपने घरों में जो है नमाज़ पढ़ रहे हैं। जामा मस्जिद आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से खाली है और आज जुमे का दिन, समझ लीजिए रमज़ान का ये पहला रोज़ा पहला जुमा है जिसमें इतनी भीड़ होती है कि यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती थी, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी नहीं है और आज जुमे के रोज़ भी यहाँ नमाज नहीं अदा हुई। जो दो तीन लोग होंगे अंदर मस्जिद के उन्होंने ही लोग अदा की होगी। आज तकरीबन सातवां रोज़ा है, सातवें रोज़े को आप देख सकते हैं कि ये पीछे इधर चावड़ी बाज़ार की तरफ रास्ता जा रहा है, ये भाई जो हैं इनकी गाड़ी किसी की है जमा की है SHO सामने, ये इसको थाने छोड़ने जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो दुनिया पूरी इस मुहिम बीमारी से जूझ रही है, हिंदुस्तानी नहीं बल्कि पूरी दुनिया जूझ रही है, और जितना हम इसका लॉकडाउन का जनता कर्फ्यू का पालन करेंगे उतनी ही जल्दी इससे हमें जो है निजात मिलेगी। और यहाँ मैं देखता हूँ एक हद तक इस वक्त जो देखे बिल्कुल खाली पड़ा हुआ, नहीं तो जुमे के और नमाज़ के बाद तो यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं होती थी, लेकिन ये पूरी तरह से खाली पड़ा। जितनी जल्दी हम इसका सैनिटाइज़र का घर पे जाएं तो सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, मास्क का इस्तेमाल करें, डिस्टेंस बना कर रखें। आप देख सकते हैं ये लिखा है दिल्ली पुलिस, दिल की पुलिस। देखिए ये पुलिस वालों जो हैं इस वक्त लगे हुए हैं और पुलिस वालों को जो है सहयोग देना चाहिए, और जो कर्मचारी सफाई कर्मचारी हैं और जो NGOs हैं, जो वॉलंटियर्स हैं इसमें लगे हुए हैं, उनको पूरी पूरा से सहयोग देना चाहिए। आप देखिए यहाँ पर जो है ये सब बैठे हुए हैं, पुलिस अमला पूरा यहाँ पर मौजूद है, पूरी ड्यूटी पर कर रहा है, सारे लोग यहाँ पर वही मौजूद हैं जो चौकी कर रहे हैं। कैमरा पर्सन मेहताब अहमद के साथ मोहम्मद रामिश, जाम मस्जिद। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।